नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पूरे देश में ढाई माह के लॉकडाउन के बाद जनपद मुजफ्फरनगर में साईं मंदिर कमेटी ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया, जिसमें उन्होंने साईं मंदिर के सामने अवैध तरीके से कब्जा जमाए लोगों को वहां से हटाए जाने की मांग की। मंदिर कमेटी के मैनेजर रोहताज गुप्ता ने कहा कि ये लोग मंदिर के सामने शराब और मांस का सेवन करते हैं और गंदी गंदी गालियां एक दूसरे को देते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ भी अभद्रता की जाती है। 22 मई को उन्होंने आपसी झगड़े में एक युवक को चाकू से अधमरा कर दिया था। आए दिन ये लोग यहां का माहौल खराब करते हैं, यहां तक कि राहगीरों की जेब भी काट लेते हैं। पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविलाइन क्षेत्र के साईं धाम मंदिर का है, जहां हर रोज शाम ढलते ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जिससे वहां से गुजर रहे राहगीरों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। और अब लॉकडाउन के बाद मंदिर खोल दिए गए हैं तो श्रद्धालु भी इनके रवैये से काफी परेशान हैं। अधिकारी को आज इस संबंध में ज्ञापन दिया है कि लोग ढाई माह के लॉकडाउन के बाद साईं धाम मंदिर खुला है, वहाँ जो भक्त लोग आ रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मंदिर के सामने जो फुटपाथ है उस पर बाहर के भिखारी ने कब्जा कर रखा है और रात्रि में दिन में भी वे शराब का सेवन करते हैं, मीट पकाते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं। मंदिर का माहौल खराब चल रहा है। इसी संबंध में मैंने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को और SSP को कि वहाँ से इन लोगों को हटाया जाए। मंदिर का माहौल खराब कर रखा है, आपस में लड़ते भी हैं। 22 तारीख में चक्कू तक चल गए, एक बालक की गर्दन भी कट गई थी, जिसे कि पुलिस ने ले जाके अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस प्रकार उन्हें यहाँ से हटाया जाए और शहर से कहीं दूर भेजा जाए। इसी संबंध में मैंने जिलाधिकारी व SSP को ज्ञापन दिया है। जो आम जनता वहाँ से गुजरती है उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं? वे सब जेब कतरे किस्म के आदमी हैं, जेब भी काट लेते हैं, लूटपाट भी कर लेते हैं, अच्छी पड़ोसी के आदमी नहीं है, गैर जिलों के आदमी, यहाँ खाना बदोश किस्म के आदमी हैं, सब गलत काम करते हैं, टट्टी पिसाब भी वहीं करते हैं, मीट में भी पकाते हैं मंदिर के सामने और बुरी बुरी गालियाँ देते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, यही काम है इनका। माहौल बिल्कुल ख़राब है, मंदिर के सामने का बिल्कुल माहौल ख़राब कर दिया है। ढाई माह बाद मंदिर खुला है और इसलिए जो है उनका वहाँ से हटाया जाना जरूरी है ताकि भक्तजनों को कोई परेशानी ना हो। जनपद सहारनपुर पुलिस ने करीब 1,25,00,000 के नकली फेस क्रीम, फेस वॉश व अन्य सामान बरामद किया है। नकली फेस क्रीम, फेस वॉश व अन्य सामान बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सहारनपुर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नकली औषधियां और सौंदर्य प्रसाधन का अवैध रूप से निर्माण करके बाजार में सप्लाई करने वाले एक शातिर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में फेयर एंड लवली क्रीम और फेस वॉश पुलिस ने बरामद किए हैं। पकड़े गए सामान की कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपए बताई जा रही है। SP सिटी विनीत भटनागर ने प्रेस वार्ता कर नकली सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इंस्पेक्टर के साथ में मिल करके एक बड़ा काफ़ी बड़ा खुलासा किया है। लगभग 2 साल से बताया जा रहा है कि पुराना कलसिया रोड पर ताहिर गार्डन में ये जो सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं इनको नकली चीज़ों के द्वारा, नकली कंपोनेंट्स के द्वारा इनको बनाया जा रहा था और काफ़ी वृहद पैमाने पर इसको सप्लाई किया जा रहा था दूर तक। कई अलग अलग राज्यों में ये स्टॉकिस्ट की भांति इसको सप्लाई करते थे। ये लगभग 1,25,00,000 रुपए इसकी कीमत का आकलन किया गया है, जिसमें बहुत से बना हुआ, अधबना हुआ सामान और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में जो प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुएं वो, और साथ में इनको स्टोर करने वाली वस्तुएं और मशीनें, ये तब एक पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है, 4 लोग जो इससे लगातार इससे जुड़े हुए हैं और काफ़ी गहराई से जो है इस काम को अंजाम देते थे वो अभी फरार हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। सर, किस कंपनी की इस तरह प्रसाधन बनाते थे और कहाँ कहाँ, ये इनके नेटवर्क कहाँ और कहाँ कहाँ थे, क्या पहले से चला रहा है, कितना लंबा नेटवर्क इन लोगों का? देखिए, आपको जो प्रेस नोट दिया गया उसमें आपको जानकारी है। मेरे द्वारा कंपनियों का, प्रोडक्ट्स का नाम लेना इस समय सही नहीं है। मैं शॉर्ट में इतना कहना चाहूँगा कि ये गोरे बनाने का जो है काला धंधा ये चल रहा था लोगों को गोरे बनाने के लालच में। फेस वॉश हैं इसमें तमाम, इसमें तमाम शैम्पूज हैं और फेस क्रीम्स हैं, यानी सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मानव स्वास्थ्य के लिए अहितकर होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो है, जो जिसको ये जानते भी थे और इनसे सामान खरीदने वाले भी लोग जानते थे। इसमें सरप्राइजिंग यह है कि जनपद के बहुत से ऐसे व्यापारी और बहुत से ऐसे मेडिकल स्टोर्स से इनके जुड़े होने के तार की जानकारी आई है।
विवेचना के दौरान और इनकी बिल बुक्स और कौन इनसे खरीद रहा था इसके दौरान जब इसका हम विश्लेषण करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति, सफ़ेदपोश व्यक्ति भी कह सकते हैं, जिनको जानकारी थी कि इनके द्वारा ये गलत चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसके बावजूद इनसे सस्ते में ख़रीद के अपने मेडिकल स्टोर्स पर, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर इन चीज़ों को ओरिजिनल के रूप में बेचते थे। ऐसे लोगों को भी हम जो है इसमें जो इनके लिंक्स हैं उनके तारतम्य में जोड़ते हुए उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, इसमें उच्चाधिकारियों की जानकारी में उनके संज्ञान में लाया गया है और इस टीम को इनाम देने के लिए उच्चाधिकारियों के साथ में जो है पत्रव्यवहार किया जा रहा है। बागपत जिले में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के व्यापक अभियान में प्रशासन के साथ साथ समाजसेवी भी आगे आ रहे हैं। गांव रटौल के समाजसेवी ने गांव के मंदिर मस्जिद समेत सैकड़ों ग्रामीणों को मास्क का वितरण किया। रटौल गांव निवासी आजाद समाज पार्टी के युवा नेता व समाजसेवी फुरकान चौधरी गांव में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने गांव के हर एक मंदिर व मस्जिद में 100-100 मास्क वितरित किए, जिसके बाद गांव की रटौल चौकी समेत सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को भी हजारों मास्क वितरित किए गए। उन्होंने लोगों से कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी को हराने के लिए सामूहिक संकल्प के साथ एकजुट होकर लड़ना होगा। मेरा इस विषय में यही कहना है, जो हमारे सरकार की गाइडलाइन थी कि 8 तारीख में सभी धर्मस्थल खोले जाएंगे, जैसे ही हमने पेपर में न्यूज़ पढ़ी भाई 8 तारीख में धर्मस्थल खुल गए हैं, उसी के चलते सभी धर्मस्थलों पर जाके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जितने भी धर्मस्थल पे हमने सभी पे जाके 100-100 मास्क बांटे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। सरकार की गाइडलाइंस थी कि कोई भी धर्मस्थल में प्रवेश तब करेगा तब उसके चेहरे पर मास्क होगा, इसके चलते हमने मास्क बांटे हैं, सभी धर्म गुरुओं में खुशी की लहर दौड़ी है। मेरी तो सबसे यही अपील है कि जो हमारी सरकार की गाइडलाइन है सब उसका बखूबी पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना बचाव रखें, घर रहें, अंदर रहें। और जहाँ तक एक उम्र का सवाल उसमें आया है, जो 60 साल से ऊपर के आदमी हैं और 10 साल से कम के बच्चे हैं वो अपने घरों में रहें, और जो हमारा जवान तबका है वो भी अपने आप को सुरक्षित रखें, आसपास साफ सफाई रखें, सुरक्षित रहें। जैसा कि स्कूल भी खोल दिए गए हैं तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? स्कूल के विषय में मैं चाहता हूँ, मेरी तो सरकार से यही अपील है और ख़ासकर मोदी जी से, कि 3 महीने की बच्चों की फीस माफ़ की जाए, बिजली के बिल 3 महीने के माफ़ किए जाएं, और जो किसान की फसलें नष्ट हुई हैं लॉकडाउन के चलते उनकी भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। उनका जो कर्ज है, जो उनकी कर्ज माफ़ी है, उस पर विशेष ध्यान सरकार को रखना चाहिए। और जो बागपत के बड़ौत में प्रमुख समाजसेवी संस्था उत्तर प्रदेश हज वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में चल रहे रक्तदान जीवनदान ग्रुप को सूचना मिली कि गांव छपरौली निवासी विक्की जैन की बहन, जो कि प्लेटलेट कम होने की वजह से जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसकी हालत बहुत ही गंभीर है, जिसकी वजह से उन्हें 3 यूनिट खून की अति आवश्यकता है। रक्तदान टीम ने मरीज की पूरी जानकारी प्राप्त कर तुरंत ब्लड डोनर टीम के साथ वसीम अहमद बड़ौत थाने में तैनात कांस्टेबल सतीश कुमार, मोहम्मद इमरान, मेडिसिटी हॉस्पिटल बड़ौत में पहुंचे और खून देकर उनकी सहायता की। मलिक, सोभी मलिक, फहीम अहमद और गुलजार अहमद और नदीम अहमद, तो इन भाई को ब्लड की ज़रूरत थी। ये भाई काफ़ी देर से परेशान हो रहे थे, तो इनको किसी ने बताया हमारे ग्रुप के बारे में, तो इन्होंने हमारे पास कॉल की। इनको 3 यूनिट की ज़रूरत थी, वो हमने अरेंज करा दी है। इनकी पेशेंट है बड़ो मेडिसिटी हॉस्पिटल में, और अब इनको अरेंज करा दी, अभी यहीं पर ही डोनर है जी। Thank you.
जनपद सहारनपुर के देवल में मजनू वाला रोड पर सीओ चौप सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर डीसी कुमार और एसआई नंदकिशोर ने कोविड 19 के नियमों की अनदेखी और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। जहां पर बेवजह रात में घरों से बाहर घूमने और मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। ऐसे में लोगों के चालान काटने के साथ ही आइंदा बिना मास्क न निकलने की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान सड़कों पर बिना वजह घूमने वालों में हड़कंप भी मचा रहा। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने दूधाहेड़ी के रास्ते पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान बाइक सवार एक युवक को पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसने शाहिद नाम का एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। तो वहीं पकड़े गए बदमाश शाहिद से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। सीओ खतौली आशीष प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्त में आया बदमाश शाहिद एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगभग एक दर्जन लूट के मुकदमे दर्ज हैं और अब पुलिस बदमाश शाहिद से पूछताछ में जुटी है कि क्या उसके साथ कोई और भी उसका साथी घटना में मौजूद था या फिर क्षेत्र में वह किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। बहरहाल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर SSP अभिषेक यादव के आदेश पर जनपद की पुलिस लगातार बदमाशों को लंगड़ाकर जेल भेजने का काम कर रही है। बीते 24 घंटे में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों के साथ पुलिस की ये तीसरी मुठभेड़ है और तीनों ही मुठभेड़ में पुलिस तीनों बदमाशों को लगड़ाकर जेल भेजने का काम कर चुकी है। रजवाई के पास तो वहाँ पर एक बदमाश तमंचा करके वहाँ से फायर करके भागा, उसका पीछा किया गया तो यहाँ पे जाके उसकी मोटरसाइकिल लड़खड़ा गई और वो नीचे गिर गया। फिर फायर करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने फायर किया, डिटरेंस रहा, उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ की गई, उसका नाम शाहिद है, ये हिस्ट्री शीटर है जो नई मंडी थाना का है और इस समय जिला बदर चल रहा है। इस पर लगभग लूट के और चोरी के एक दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और इसके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 लाइव कार्टेज, 1 CMP और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ। इसमें यह भी पूछताछ की जा रही है कि इसके गिरोह के साथ और अन्य कौन लोग हैं जो इसके साथ मिलकर लूट और चोरी की घटनाएं करते हैं। पूछा उससे कहाँ जा रहा था, इस टाइम कोई घटना को वारदात देना था क्या मामला? इस समय शाम के समय कई बार इनकी ये स्थिति होती है कि जहाँ पर कोई राहगीर या कोई अकेला व्यक्ति या महिला घूमती है तो उनके साथ चेन स्नेचिंग की घटनाएं या अन्य घटनाएं भी ये लोग नई मंडी थाना क्षेत्र में करते हैं। तो हो सकता है उसको ये लग रहा हो कि रजभाई के पास यदि कोई व्यक्ति हमें दंपत्ति मिलता है तो उसके साथ कोई वारदात की जाए। ये एक सफल प्रयास है जो मंसूरपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। अकेला ही था और कोई इसके? ये अकेला था। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।